दोस्तों आज की वीडियो में मैं पांच ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो बहुत कमाल के हैं, बहुत यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है एलिमेंट्स। हाँ, इंडियन सोशल मीडिया साइट है ये एलिमेंट्स, जिसे दो साल हुआ इसको लॉन्च हुई। इसमें आप फोटो वीडियो के साथ साथ अपने कॉन्टेक्ट और अपने लोकेशन को भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप जैसे कि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम एक इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो और रील्स बना के अर्निंग, शायद अभी तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन हाँ हो सकता है फ्यूचर में अर्निंग का भी एक प्लेटफॉर्म है। मैं तीसरे नंबर पर लूँगा यारियप। यारियप एक इंडियन सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेयर करके बहुत खासी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, यारियप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक इंडियन सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे आप कोई भी कंटेंट जैसे लाइक, कमेंट, शेयर या फिर कुछ भी पोस्ट करके आप पॉइंट जनरेट कर सकते हैं और पॉइंट को पैसे में कन्वर्ट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप इस बार जरूर एक बार इसको यूज करें। चौथे नंबर पे आता है एक्सप्लोरजर, जो सोनू सूद ने लॉन्च किया है, एक इंडियन सोशल नेटवर्किंग साइट ये भी है लेकिन ये ट्रैवल, जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए है। हालांकि मैं इसको चौथे नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट में रखना था लेकिन ये एक ट्रैवल सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अपनी वीडियो को, फोटो को उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे आता है जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, ये पिंटरेस्ट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट पर आप इमेज शेयर कर सकते हैं, इमेज को अच्छे खासे, आपको अच्छे खासे इमेजेस वहाँ पर मिल जाएंगे, आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैं तीसरे नंबर पे जो यारी है उसको सबसे बेस्ट बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप लाइक, कमेंट, शेयर और पोस्टिंग के साथ साथ अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।